नमस्कार, महाराष्ट्र पुलिस के डायल 112 और महिला एवं बाल साइबर अपराध प्रतिबंधक केंद्र परियोजना का शुभारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हिंदू वर्ष गुड़ी पड़वा के अवसर पर इन परियोजनाओं का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शनिवार को किया। मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सेंटर हॉल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस की विश्व स्तर सेवा हो, इसके लिए पुलिस वालों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के माध्यम से पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण पर बल दिया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ ने बताया कि महाराष्ट्र इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम डायल 112 जनता के कॉल तुरंत और बिना किसी रुकावट के प्राप्त किए जा सकेंगे। इस उद्देश्य के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र नवी मुंबई और दूसरा संपर्क केंद्र नागपुर में 2 संपर्क केंद्र स्थापित किए गए हैं। डायल 112 प्रणाली के माध्यम से मदद लेने के लिए नागरिक टेलीफोन या मोबाइल से संपर्क कर सकते हैं। नगर के द्वारा की गई कॉलों को संपर्क केंद्र के माध्यम से संबंधित जिले के पुलिस नियंत्रण कक्ष को भेजा जाएगा। इसके लिए पुलिस दल के 11 पुलिस आयुक्तालय और 34 जिलों सहित कुल 45 पुलिस नियंत्रण कक्षों को अपडेट किया गया है। जिला नियंत्रण कक्ष संपर्क केंद्र से प्राप्त कॉल की जानकारी का विश्लेषण करके उस कॉल और उसकी जानकारी इस प्रणाली के माध्यम से संबंधित आपातकालीन प्रतिसाद वाहनों को प्रशिक्षित कर्मचारियों के मोबाइल डेटा टर्मिनल पर भेजा जाता है। जिला नियंत्रण कक्ष से सूचना प्राप्त होते ही आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन पर तैनात पुलिस कर्मी तुरंत उन नागरिकों तक पहुंचते हैं जिन्हें मदद की जरूरत होती है और कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। तो महाराष्ट्र मुंबई के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। आप देख रहे हैं एसपी अपडेट यूट्यूब चैनल महाराष्ट्र मुंबई। मुंबई लोकल ट्रेन की सभी ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें।